निश्चित रूप से हमारे संक्रमण दर कम हुई है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। और जो 6 हमारे प्रकरण आए थे, उस दिन हमारे द्वारा 1058 सैंपल्स की टेस्ट किए गए थे, और टोटल हमने सैंपल भेजे गए थे 1758। भारत शासन की गाइडलाइन के द्वारा हमको ये भी निर्देश दिए गए थे, कुछ सैंपल सर्वे किए जाएं, जहाँ से सैंपल लिए जाएं, जहाँ से माइग्रेटरी पॉपुलेशंस आई है, ग्रीन एरिया है, या पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस रहते हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो ऐसी जगहों से भी सैंपल्स लिए जाएँ, ये देखने के लिए कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है कहीं। इसलिए हमने सैंपल्स अपने उन एरिया से भी लिए हैं। और हो सकता है टेस्टिंग में उनके पास जो सैंपल गए हों, उस दिन वो ग्रीन एरिया के रहे हों, जिसकी वजह से वो हमारे पास पॉजिटिव केवल 6 केस निकले हों, बाकी के भी 700-800 केस और बचे थे, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग केवल 1058 की ही की थी, तो बाकी के केसेस का जो दूसरे क्षेत्र के हैं उसमें हो सकता है। तो कोई भी चीज़ का जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग लैब से हमारे पास आती है रिपोर्ट, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। 21 का जैसे कल केसेस 21 केसेस आए हैं, उस दिन भी हमारे द्वारा 1701 सैंपल लिए गए थे, और उसमें से 1236 टेस्ट लगाए गए हैं। और ये भी कुछ जो ग्रीन जोन वाले एरियाज वहाँ के सैंपल होंगे, इसमें हो सकता है कुछ अपने रेड जोन के भी होंगे, ये मिक्स रहते हैं सभी जगह के। तो टेस्टिंग का जहाँ जहाँ से हमें कॉन्टैक्ट सर्वे मिलता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, उनके हम सबके सैंपल लेते हैं और उनकी जांच के लिए भेजते हैं। तो सर, ये चाहे किसी भी जोन से लिए गए हों, लेकिन ये आंकड़े कम हो रहे हैं, तो ये अनलॉक 1 के आंकड़े हैं या लॉकडाउन के आंकड़े अब आ रहे हैं? ये अनलॉक 1 के ही आंकड़े हैं, लॉकडाउन पीरियड के आंकड़े नहीं हैं। और ये एक अच्छी बात है इंदौर के लिए कि यहाँ के लोगों ने जो लॉकडाउन के नियमों का पालन अच्छे से किया है, जिससे हमारी जो संक्रमण की चेन थी वो ब्रेक हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन आम जनता को अभी यही समझाइश दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके निकलें। अभी इसमें उसमें अभी और ज़्यादा सावधानी रखना होगी आम जनता को, और सोशल डिस्टेंस का अगर हम पालन करेंगे, मास्क लगा के रहेंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो हम इस स्थिति को अच्छे तरह से निभा सकते हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि चेन ब्रेक हो चुकी है इंदौर में? हाँ, निश्चित रूप से अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो चेन ब्रेक होगी। सर, डिस्चार्ज होने वाली सर संख्या भी जो है हाँ, काफी बढ़ती जा रही है, तो ये कितना सर आंकड़ा पहुंच चुका है? निश्चित रूप से इंदौर का डिस्चार्ज रेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जितने लोग भर्ती हो, उसका परिणाम यही है कि जैसे ही कुछ संक्रमण वाले सिम्टम्स वाले मरीज मिलते हैं, हम जल्दी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा, जो हमारा एक ऐप के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, हम उस पेशेंट्स को पकड़ते हैं और उनकी जाँच करवाते हैं, अगर पॉजिटिव आता है हॉस्पिटल कराते हैं, तो जल्दी कैश करना, जल्दी डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना, उससे हमारी डिस्चार्ज रेट अच्छी होती जा रही है। अभी तक हमारे पास 2982 केस जो है ना, आज तक कोरोना के मरीज डिस्चार्ज होकर के घर होकर जा चुके हैं। ये परसेंटेज सर काफ़ी ज़्यादा है जो अदर सिटीज़ अदर में बात करें तो? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, कि क्योंकि हम उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करके, आइसोलेशन करके हम उनको छोड़ते हैं, इसलिए ये परसेंट हमारा बढ़ा अभी है। अभी कितने एक्टिव केसेस हैं सर जिनका इलाज जारी है? अभी एक्टिव केसेस करीब 930 केसेस करीब एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज उपचार चल रहा है। और इनमें से कुछ घर पे भी होम क्वारंटाइन है या सारे हॉस्पिटल में? यस, इसमें हम जो एक इंदौर से ही एक नया कंसेप्ट चालू किया गया है होम आइसोलेशन का, होम क्वारंटाइन के लिए, इसमें हमें बहुत अच्छी मदद मिली है, आम जनता की भी मदद मिली है। इसमें हम पेशेंट्स को घर पर ही क्वारंटाइन करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग ऐप के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसका पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं और पेशेंट से बात करते हैं। तो उसका प्रसाद ये मिलता है कि मरीज अपने घर पर रह करके ही जल्दी स्वस्थ होता है, और अगर ऐसे पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं या कुछ तकलीफ होती है, तो हमारे आरआरटी टीम जा करके इमीडिएटली अपने एम्बुलेंस से उस पेशेंट को शिफ्ट करती है हॉस्पिटल में ये एडमिट। 930 में से है सर वो भी है जो होम क्वारंटाइन है? यस, हमारे पास होम आइसोलेशन के 842 मरीज जो है ना होम क्वारंटाइन में हैं, जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसमें से डिस्चार्ज भी हुए हैं करीब, जो डिस्चार्ज रेट पता है उन सब मिक्स होकर के डिस्चार्ज भी हुए हैं। आपका नाम? डॉक्टर MP शर्मा, CMHO इंदौर।